हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको रसीली लीची की बताऊंगी स्मूदी बनाना, जिसके लिए हम इस तरह 250 ग्राम से 300 ग्राम तक लीची को छीलकर तैयार करेंगे। उसके बाद इसके हम बीज निकाल लेंगे चाकू की सहायता से, या अगर आप चाहें तो ऐसे बैक साइड से प्रेस कीजिए और ये पूरे हमारे बीज निकल जाएंगे। बीज को निकाल के इसके जो पल्प हैं हम निकाल लेंगे इसी तरह पूरे, और फिर उसके बाद हम ग्राइंड करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सारी लीचियों को हम छीलकर पल्प तैयार कर लें। 250 ग्राम हमने छीलकर लिया है लीची। ये देखिए लीची बहुत ही अच्छी है और इस समय बड़ी रसीली लीची आ रही है। इसे हमने एक कप लिया, छिलने के बाद ये हुई 250 ग्राम है। ये है जिंजर, इसमें दालचीनी और कार्डमम, जिंजर, छोटी इलायची और दालचीनी का ये पाउडर है। 1/4 ऑफ द टेबल स्पून हम डाल रहे हैं। ये देखिए हमने चेरी लिया है, ये होल चेरी है जिसको मैंने कट किया। थोड़ा सा मैं काजू, थोड़ा सा मैंने लिया है बादाम कट करके और पिस्ते। ये है टूटी फ्रूटी, मेरे पास येलो कलर की थी तो मैंने इसको थोड़ा सा करने को सोचा। 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे चीनी, स्मॉल साइज की 2 टेबल स्पून है, और लीची मैंने डाल दिया है। दूध हम अभी कम डालेंगे, 1/2 ग्लास डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। लीची ग्राइंड कर दी, अब हम डालेंगे इसमें देखिए क्रीम, घर का क्रीम है, 2 चम्मच इसे हम डालेंगे, 2 चम्मच करीब ये निकला है, और दूध हम सारे डालकर फिर से ग्राइंड करेंगे। थोड़ा सा ही मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दे रही हूँ ताकि ये भी मिक्स हो जाए। चेरी, बादाम सब हम डालकर फिर से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस स्मूदी को पोर करेंगे ग्लास में। ये जो मैंने क्रीम डाला है घर का, इससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा, काफ़ी क्रीमी होगी ये। 1 चम्मच बड़े वाले हमने मगज लिए हैं जिसको भिगो कर रखा था, और थोड़ी सी चेरी, इसे भी हम ग्राइंड कर देंगे, और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा और क्रीम ले रहे हैं 1 चम्मच, इसे ही मिलाकर हम ग्राइंड करेंगे। 2 चम्मच पहले मैंने लिया, 1 अभी। देखिए काफ़ी अच्छा पेस्ट बना है, थोड़ा सा दरबरा है, मैंने इसे इसी तरह छोड़ा। इसमें हम थोड़ा सा मिल्क मिलाएंगे और फिर इसके बाद हम इस पर पोर कर देंगे अपने ग्लास में। देखिए लीची की स्मूदी काफ़ी क्रीमी बनकर तैयार है। अब हम इसमें ऊपर से ऐड करेंगे थोड़े से पिस्ते, और गार्निश करेंगे बादाम से। थोड़ा सा हम चेरी भी डाल देंगे इसके ऊपर। पहले पिस्ते से हम गार्निश कर दें। मैंने ड्राई फ्रूट मिक्स लीची की स्मूदी तैयार कर दी है। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।